कंपनी है उसके और अदानी एंटरप्राइजेस के मध्य कि उसका उसको एमओडी के माध्यम से उसका उत्खनन अदानी 13 नंबर खदान जो कि 2006 और एक कंपनी जॉइंट वेंचर कंपनी एस्टैब्लिश हुई 2007 में उसमें एनसीएल जो बनाई गई जॉइंट वेंचर कंपनी उस खदान जॉइंट वेंचर कंपनी के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रम के माध्यम से ही चलाया जाना था जो भी फंडिंग होना था वो हुआ और उसी ढंग से यूनियंस को भी इस बारे में जानकारी दी गई। और 13 नंबर खदान में आपने सुना होगा कि 5 अप्रैल 1978 में एक गोलीकांड हुआ था बेलाडीला में। कुछ परेशानी होगी अगर वहाँ पे हमारा सभी यूनियंस का और मजदूरों का वहाँ बेलाडीला क्षेत्र के मजदूरों का ये मानना है कि एलएमडीसी का 60 साल का एक्सपीरियंस है माइनिंग एक्टिविटी में, तो किसी भी प्राइवेट माइनिंग एक्टिविटी करने के किसी प्राइवेट ओनर को क्यों बुलाया जा रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी को क्यों बुलाया जा रहा है। और ये एक तरह से एनएमडीसी का निजीकरण करने का एक शुरुआत है, प्रथम कदम है ये माना जा रहा है और इसलिए वहाँ के ट्रेड यूनियन को ये मानना है कि इसका विरोध किया जाए। दूसरा, जहाँ तक एक्सप्रेशन कॉस्ट की बात है तो एक्सप्रेशन कॉस्ट अगर आप अपना रॉयल्टी और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड और अदर फंड्स को अगर आप माइनस कर देंगे तो एनएमडीसी किरंदुल का आज 727 रुपये आ रहा है और जो टेंडर इनको दिया गया है वो 789 रुपीज़ में इनको टेंडर दिया गया है वहाँ पे एक्सप्रेशन कॉस्ट के लिए। तो इसीलिए ये भी अगर देखा जाए तो आज भी हम उससे सस्ते दर पर वहाँ पे एक्सप्रेशन कॉस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि 60 सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी एलएमडीसी के माध्यम से वहाँ बनाया गया है। तो किसी भी निजी पूंजीपति को वहाँ बुला के एक मल्टीनेशनल कंपनी को वहाँ पर ये माइंस देना, इस बात का एनएमडीसी के मजदूरों का जमकर विरोध है। हमारा मानना है कि ये सरकारों की जो चहेते उद्योगपति हैं इस देश के, उनको ये पूरे हिंदुस्तान का नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है, संसाधन जो भी है हमारे, उनको बेचना उनको देने की साजिश चल रही है पूरे देश में और उसी के एनएमडीसी को भी जल्दी से जल्दी बंद करने की साजिश है। तो अभी हम काली पट्टी लगा के अपनी ड्यूटी करेंगे, उसके अलावा हम हमारे जो शॉप्स हैं, वर्कशॉप्स हैं हमारे, वहाँ पर हम अपने शॉप्स में इसको लेकर नारेबाजी करेंगे और आने वाले दिनों में जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे, उसको लेकर हम आखिरी दम तक ट्रेड यूनियंस जो है इसको लेकर लड़ेंगे। क्या पूरा काम बंद पड़ेगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी हम लोग जाएंगे।